नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, कैसे लग रहे हैं आपको ये फलूदा वाले ग्लास? मन हो रहा है ना कि अभी इंजॉय किया जाए? तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, में मैं 1 कटोरी के करीब पानी डाल के इसकी स्लरी बना रही हूँ। ये 1 कटोरी पानी में 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल के मैंने इसकी स्लरी बना ली और अभी मैं इसको डाल रही हूँ इस पैन में। और अब हम इस पैन को गैस पे रखेंगे। मैंने इसको गैस पे रख लिया है और लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे। लीजिए, ये पकना हो गया है स्टार्ट और अभी ये कुछ कुछ फेविकॉल जैसा लग रहा है, तो बस इसी तरीके से इसको पकाएंगे। ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए, ये लगभग हो गया है, बस इसे आधा मिनट और पकाएंगे। आधा मिनट और पकाने के बाद अब ये हो गया है बिल्कुल एकदम से, कैसे बोलूं कि जैसे कि वैसलीन होती है, इस तरीके से हो गया है। और बस अब ये तैयार है और अब हम इसे फटाफट से अपना फलूदा बनाएंगे। तो देखिए, मैंने इसे पाइपिंग बैग में डाल लिया और कितनी आसानी से, कितने आराम से हमारा फलूदा बनके हो रहा है तैयार। और ये गर्म बहुत है दोस्तों, मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा, इसको बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन सबसे ईजी तरीका है इस तरीके से फलूदा बनाना। चाहे तो आप मिल्क पैकेट जो होता है खाली, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत गर्म है तो प्रेस करने में, पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे इसे। लीजिए, मैंने जितना भी बनाया था मिक्सचर, उससे हमारा फलूदा बनके हो गया है रेडी। और देखिए कितना अच्छा, कितनी पतली पतली फलूदा की सेवियां बनी है। और आप चाहें तो इसमें फूड कलर डाल के कलरफुल सेवियां भी बना सकते हैं। देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट, एकदम जैसे मार्केट में होती हैं। और यहाँ पर लिया है मैंने दोस्तों 1 टीस्पून सब्जा के बीज, जिनको कि फलूदा में यूज़ करते हैं, कुल्फ़ी वगैरह में। और मैं इनको पानी में भिगो के रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। तो बस इस तरीके से इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाए। तो चलिए दोस्तों, अपने फलूदा को डालते हैं ग्लासेस में। सबसे पहले मैं ग्लासेस में डाल रही हूँ थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, और उसके बाद इसमें डालेंगे हम फलूदा। रूह अफ़ज़ा और फलूदा डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये जो हमने सब्जियाँ के बीच भिगो कर रखे थे, ये और इसके बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी ये कुल्फी। इसके बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मिल्क। और इसके बाद मैं कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज डाल रही हूँ। आप आपकी पसंद के कोई भी फ्रूट्स जो आपको अच्छे लगते हो डाल सकते हैं। वापिस से सब्जा डालेंगे इसके ऊपर, थोड़े से काजू, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। और वापिस से थोड़ी सी इसके ऊपर कुल्फी, आप इसको वनीला आइसक्रीम के साथ भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। बस अब इसके ऊपर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा या आपकी पसंद का कोई भी शरबत आप डाल सकते हैं और हमारा कुल्फी फलूदा एकदम रेडी है। तो कैसा लग रहा है आपको ये देखने से? मन हो रहा है ना कि अभी अभी बस इसको एंजॉय किया जाए? तो उसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाइए फटाफट
और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।